महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में रविवार को राजीव गांधी जिला स्तरीय द्वितीय सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों के पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम तारामंडल स्थित एक मैरिज हॉल में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष एसपी त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं और देश के कंप्यूटराइजेशन और टेली कम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय उन्हें जाता है। उन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें मेधावी छात्रों को पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया जाता है। इस साल के प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र अनुज शुक्ला को लैपटॉप, द्वितीय स्थान पाने वाले हिमांशु श्रीवास्तव को मोबाइल एवं तृतीय स्थान पाने वाली शालिनी पासवान को टैबलेट देकर उनको पुरस्कृत किया गया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य 150 छात्रों को शील्ड व मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव व जिले के प्रभारी त्रिभुवन नारायण मिश्र, जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान, महानगर अध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी, राजेश यादव, तौकीर आलम, संजय चौबे, अरुण अग्रेली, सबिया अली, प्रेमलता चतुर्वेदी, मोनिका पांडे सहित अन्य कार्यकर्ता और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गौरवपुन्नी से बात करते हुए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एसपी त्रिपाठी ने कहा कि केवल छात्रों को यहां आगे पासवान, हिमांशु श्रीवास्तव, डॉक्टर एसपी त्रिपाठी, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी विचारपुर। ये राजीव पिछले वर्षों से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता शुरू की है, जिसका ये दूसरा वर्ष है। तो ये पहले ही उनके बर्थडे पर जब था तो वो एक कंपटीशन कराया गया था रिटेन, और उन लड़कों ने जिसमें अच्छे मार्क्स पाए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड या ऐसे, उनको आज पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। कितने लगभग छात्रों को पुरस्कार वितरण किया? 150 छात्रों को आज दिया जा रहा है गोरखपुर जिले में। इसी तरह से हर जिले में आज या कल या इस तरह से हो रहा है यूपी के और पूरे छात्रों के बारे में कहना है कि छात्रों के सामने इस समय भविष्य बहुत ही संकटमय है और वो किस दिशा में जाएं, ये सरकार जो वर्तमान सरकार है उनको दिशा नहीं दे पा रही है। उनके सामने एक बहुत बड़ा भविष्य पड़ा हुआ है, लेकिन वो सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करेंगे पढ़ लिख करके। तो आवश्यकता ये है कि हम उनमें किस तरह से आत्मनिर्भर उनको बनाएं, किस तरह से उनको एजुकेशन दें जिससे वो पूरी विश्व स्पर्धा में अपना स्थान बना सकें।